देश की सुरक्षा तैयारियों को लेकर हमारी सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अपने हर वायदे को पूरा कर रही है। लेकिन देश की रक्षा को लेकर पहले की सरकारों का कैसा रवैया रहा है, इसे बार बार याद किए जाने की जरूरत है। भाइयों बहनों, हमारी सेना ने 10 साल पहले यानी 2009 में 1,86,000 बुलेट प्रूफ जैकेट की मांग की थी। बिना बुलेट प्रूफ जैकेट हमारा वीर जवान देश के दुश्मनों से लड़ रहा था। 2009 से लेकर अगले 5 साल बीच समय गया, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने, एनसीपी के समर्थन से चल रही सरकार ने सेना की इस जरूरत पर ध्यान नहीं दिया। उनके लिए बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं खरीदी। जब भाजपा एनडीए की सरकार आई तो हमने बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदने की प्रक्रिया शुरू की, और ये हमारा नासिक तो भोंसले मिलिट्री स्कूल से जाना जाता है। इतना ही नहीं, हमने व्यवस्थाएं बनाई ताकि ये जैकेट भारत में ही बने। साथियों, बीते 5 वर्षों में हमने न सिर्फ सेना की जरूरतों को, हमारे वीर जवानों की जरूरतों को पूरा किया, उन्हें बुलेट प्रूफ जैकेट दिलाई, बल्कि अब उससे भी एक कदम आगे बढ़ गए हैं। अब भारत दुनिया के उन कुछ देशों में शामिल हो गया है जो अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाता है। इतना ही नहीं, दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में आज भारत में बनी बुलेट प्रूफ जैकेट एक्सपोर्ट हो रही है, निर्यात की जा रही है। साथियों, भाजपा सरकार का मतलब ही है देश की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता। हमारे लिए देश से बड़ा कुछ नहीं। देश की उम्मीद ही हमारे लिए आदेश होता है। इसलिए हम वायदे करते हैं तो उसे पूरा करके भी दिखाते हैं।